तो यार भाई लोग कैसे हो, स्वागत है आप सभी के एक और ब्रांड न्यू संडे अमेजिंग फ्रेश नंबर वन बेस्ट थीम के वीडियो के एपिसोड पर। और इस संडे मैं आप सब Xiaomi एंड Redmi डिवाइस यूजर के लिए लेके आया हूँ ऐसे एक परफेक्ट नंबर वन सुपर मी यूआई थीम। और गाइस इस थीम को अप्लाई करने के बाद आप अपने Xiaomi डिवाइस को काफी ज्यादा किलर लुकिंग एंड काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक को प्रोवाइड कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको ये थीम पसंद ना आए और अगर आपको लगे ये थीम अच्छा नहीं था तो मुझे आप लास्ट में कमेंट में बता के जाना कि सूरज भाई आपने जो थीम बताया था वो अच्छा नहीं था। तो गाइस चलिए फिर देख लेते हैं कौन सा थीम, कैसा थीम का परफॉर्मेंस, कैसा है थीम का कस्टमाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन इस वीडियो में। सो विदाउट एनी मोस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते 500 लाइक्स का, तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आप चाहते हो MIUI के नंबर वन बेस्ट थीम के वीडियो, MIUI के सेटअप रिलेटेड वीडियो एंड कस्टमाइजेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखना तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर आपको इस थीम को डाउनलोड करना है और अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हो तो आप सभी को तो पता ही होगा मैं डिस्क्रिप्शन पे थीम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके थीम को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो MIUI के थीम के स्टोर से इस थीम को डायरेक्टली डाउनलोड करना तो सिंपली आपको जाना होगा MIUI 10 के थीम के स्टोर पर। एंड देन आपको वहां पर सर्च करना होगा सुपर MIUI। सुपर MIUI सर्च करने से आपको ये थीम देखने को मिल जाएगा, तो फटाफट से इस थीम को डाउनलोड कर लेना है। और गाइस इस थीम को डाउनलोड करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको सबसे बड़ा या फर्स्ट चेंजेस जो इस थीम में देखने को मिल जाएगा वो ही इसका लॉक स्क्रीन। एंड गाइस यहाँ पर एक काफी बढ़िया गुड लुकिंग वाला एनिमेटेड आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पर जो एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इस पे डबल टैप करोगे तो आपको म्यूजिक प्लेयर ऑन ऑफ का फीचर देखने को मिल जाएगा जो ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहता है। एंड अगर आप लेफ्ट टू राइट साइड स्वाइप करोगे तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको एक कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इस कंट्रोल में आपको काफी सारा जैसे कैलकुलेटर, वॉइस नोट एंड टॉर्च वॉच सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, सो आप इनको भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आप अपने फोन को चार्ज पे लगाओगे तो यहाँ पर सीएन एंड आपको लाइम कलर का काफी अच्छा एक चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जो काफी मुझे बेहतरीन लगा। एंड गाइस अगर आप देखोगे इस थीम का होम स्क्रीन को तो यहाँ पर इसका जो होम स्क्रीन मिल जाता है वो काफी बढ़िया तरीके से सेटअप किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो आपको वॉलपेपर मिलने वाला है वो भी काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक टाइप का, आपको यहाँ पर कार का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो इस आइकन पैक के साथ कॉम्बिनेशन करके काफी अच्छे गुड लुकिंग आपका थीम का लुक को प्रोवाइड कर देता है। एंड गाइस अगर हम लोग बात करें इस थीम के आइकन पैक की तो यहाँ पर इसका जो आइकन पैक आपको देखने को मिल जाता है वो गाइस काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है जो देखने में काफी ज्यादा कूल और ऑसम लगता है। मैं अगर आपको एक सच बताऊं तो मैंने इससे पहले इस तरीके का कूल एंड आई कैचिंग आइकन पैक को आज तक मैंने नहीं देखा, सो आप इस आइकन पैक को जरूर से इस्तेमाल करना। एंड गाइस अगर आप जाते हो सिंपली यहाँ पर से सेटिंग्स पे एंड देन जाते हो अबाउट फोन एंड सिस्टम अपडेटर के पेज पे तो गाइस आप यहाँ पर देखोगे इसका जो सिस्टम अपडेटर के पेज है उसे पूरा मोड करके या चेंज करके सुपर MIUI को लोगो एंड डिजाइन को एड कर दिया गया है, सो देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और ऑसम लगता है। वैसे थीम स्टोर में ऐसे कम ही थीम है जिसमें आपको अपडेटर पेज चेंजिंग का फीचर मिलता है, सो आपको इस थीम में जरूर से ये फीचर मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आप देखोगे इसका नोटिफिकेशन पैनल या स्टेटस बार को तो इसका जो आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाता है वो पूरा स्टॉक एंड्रॉइड वाला आपको फील दे देगा। सिर्फ इस पे आपको सियन कलर एंड व्हाइट कलर का मिक्सचर देखने को मिल जाता है, वैसे तो ये पूरा स्टॉक एंड्रॉइड वाला ही फील आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग जाते हैं इसका कॉलिंग स्क्रीन पे या कॉल्स पे तो आपको कुछ मिनिमलिस्टिक टाइप का आपको कॉलिंग स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई व्हाट्सएप कलर चेंजिंग की थीम भी बता दिया करो, तो आप इस थीम को अप्लाई करना आपका जो व्हाट्सएप का कलर है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा। और गाइस मैं इस वीडियो में अभी तक जो लॉन्चर इस्तेमाल कर रहा था तो इस लॉन्चर का नाम है पोको लॉन्चर, तो अगर आपको पोको लॉन्चर पसंद है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्टली पोको लॉन्चर को भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड भाई लोग आप मुझे कमेंट में ये जरूर से बता के जाना आपको ये थीम के रिव्यू कैसा लगा, ये थीम के कॉम्बिनेशन एंड कस्टमाइजेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको थीम की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज भाई लोग हिट दैट लाइक बटन। सो अगर आपने लाइक कर दिया है सो थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।